हेलो दोस्तों मैं सीमा, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। यहाँ हमने भिंडी ली है। भिंडी को दोनों तरफ से काट लेंगे और साइड से चारों तरफ से हम इसको काट लेंगे ताकि इसमें मसाला हमारा बहुत अच्छे से भर जाए। इसी तरह हम वन बाई वन करके सारी भिंडियाँ चारों तरफ से कट कर लेंगे फ्लावर की तरह, और सारी काट के अच्छे से रखते जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हमारी ये भिंडी बनती है, इसलिए ही मैं आपके सामने इसे लेकर आई हूँ। मैंने सुबह ही बनाई थी ये, तो सबने बड़े मज़े से खाई। फिर मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर की जाए इस वीडियो को ज़रूर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। इसी तरह से हम सारी भिंडियों को अच्छे से कट कर लेंगे, फ्लावर की तरह बन जाती है ये। सारी भिंडियाँ यहाँ कट चुकी है, आप देख सकते हो। और इसके थोड़े अंदर के जो बीज हैं वो हम थोड़ा हिला के निकाल देंगे। यहाँ हमने 1 कप बेसन लिया है। 1 कप बेसन के अंदर हम लाल मिर्च, आप स्वाद अनुसार ले सकते हो, धनिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये फ़ोन से मैं वीडियो बनाती हूँ, वो फ़ोन नीचे गिर गया था स्टैंड से अचानक ही, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। यहाँ हल्दी पाउडर, नमक, स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। उसी कप में हमने पानी ले लिया है और अच्छे से इसका हम समोसा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें हमें सारी भिंडी की कोटिंग कर लेनी है, जिससे भिंडी हमारी अच्छे से इसके इसमें कोट हो जाए। इतना ही हमें इसका बैटर रखना है, ज़्यादा हम इसका बैटर वो नहीं रखेंगे, ना गाढ़ा रहेगा ना ज़्यादा पतला। नॉर्मली हमें इसका बैटर बनाना है, बस ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पानी का इस्तेमाल किया है। 1/2 कप के करीब इसमें पानी गया है। इस तरह का हमने यहाँ बैटर तैयार किया है, इससे हमारी भिंडी क्या थोड़ा कुरकुरी और अच्छे से बनेगी। अब हम सारी भिंडियाँ इसमें डालेंगे और इन पर अच्छे से ये बेसन कोट कर लेंगे। बहुत ही मस्त और लाजवाब ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है, और इसमें हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 15 मिनट में करीब हमने ये अपनी भिंडियों की सब्जी बना ली है। अभी इन सबको हम डीप फ्राई करेंगे, आप चाहे तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था। अब इसमें 1 बाई 1 करके हम सारी भिंडियाँ डालते जाएंगे, एक एक करके। इसी तरह सारी भिंडियाँ हम अलग अलग ही हमको डालनी है, अगर हम एक साथ उठाकर सारे डाल देंगे तो ये गुच्छा बन जाएगा और हटाने में थोड़ा दिक्कत रहेगी, इसलिए हमें एक एक कर कर ही इसमें भिंडी इसी तरह से डालते जाना है। और इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही छोड़ेंगे, एकदम हमें इसमें कुछ टच नहीं करना है, उल्टा पलटी नहीं करनी है। थोड़ी देर बाद हम इसको पलटेंगे, उससे क्या है बहुत ही ये हमारी अच्छे से बनेगी। मसाले में भी हमने कुछ ज़्यादा यूज नहीं किया है, मैं आपको बता दूं। यहाँ जब तक हम भिंडियाँ डाल रहे हैं सिर्फ 1 प्याज लिया था, इसमें ज़्यादा कुछ मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा अजवाइन डाला था, थोड़ा आमचूर पाउडर, नमक, मिर्च, मसाला, चाट मसाला डाल सकते हो आप। अगर आमचूर पाउडर ना हो तो उसकी जगह आप नींबू का जूस डाल सकते हो, उससे भी काफ़ी टेस्टी और लाजवाब हमारी भिंडी मसाला भिंडी बनती है। अभी हम ऐसे 1 बाई 1 करके सारे में भिंडी डालते जाएंगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारी ये भिंडियाँ अच्छे से डीप फ्राई हो रही है। अभी हम इसको पलट लेंगे, 5 मिनट हो चुका है। 5 मिनट बाद हम इसको, इनका कलर हमें बिल्कुल मतलब जलाना नहीं है, ऐसा करना है थोड़ा रेड रेड सी दिखने लगे, हल्की सी ब्राउननेस आ जाएगी इन पर अलग ही। जब ये तली जाती है मस्त इसमें खुशबू आने लगती है, इसी से किचन महकने लगता है। आप चाहे तो इसको वैसे भी सर्व कर सकते हो, इसको ऐसे भी खाया जा सकता है,
और मसाले के साथ भी, तो ये गजब ही टेस्ट देती है। पराठों या फिर आप पूड़ी या फिर रोटी के साथ, जिसके साथ आप चाहे सर्व कर सकते हैं। अगर कोई गेस्ट घर में आ जाए, इस तरह से आप भिंडी बनाइए और उन्हें खिलाइए। आपसे ज़रूर ये पूछेंगे कि आपने कहाँ से बनाना सीखा है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। अभी अच्छे से हल्के हल्के से हम इन्हें अलटते पलटते जाएंगे। अच्छे से हम इन्हें अलटते पलटते जाएंगे और इस तरह से अच्छे से इनको डीप फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे, थोड़ा तेल इस तरह से करके, जो ऑयल ना आए, वन बाय वन करके सारी भिंडियों को हम अच्छे से निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हो बनने के बाद कितनी लाजवाब लग रही है। अभी तो हमने इनको मसाला डाला भी नहीं है, उससे पहले ही कितनी देखने में भी सुंदर दिख रही है। और मसाला डालने के बाद भी बात तो बहुत ही लाजवाब और गजब की बनकर तैयार होती है ये। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। अभी इसको हम निकाल लेते हैं सबको वन बाय वन करके अच्छे से। इसी ऑयल में हम अपना ग्रेवी तैयार करेंगे। थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे, ज़्यादा ऑयल है इसका। आप देख सकते हो मस्त दिख रही है। और थोड़ा सा ऑयल हमने यहाँ से कम कर दिया है। और इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, हल्का सा, हाफ स्पून के करीब मैंने यहाँ अजवाइन लिया है। वन स्पून के करीब हम यहाँ जीरा डालेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा भूनते ही हम इसमें वन मैंने ओनियन को ग्राइंड कर लिया था, उसको डाल लेंगे। फिर एक ही हमने यहाँ प्याज का यूज किया है, क्योंकि यहाँ मैंने कम ही भिंडी ली है, एक पाव के करीब भिंडियाँ है। अगर ज़्यादा भिंडी हो तो आप प्याज इसमें एक और बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको भूनने देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, ये हाँ लहसुन को हमने लंबा लंबा काटा है, हाँ इसको डाल देंगे। लहसुन लंबा लहसुन अगर डलता है भिंडी के अंदर तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर और बहुत ही अच्छा लाजवाब टेस्ट भी आता है। अब इसके अंदर हम हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर डाल दिया है हमने, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, यहाँ हमने कश्मीरी लाल मिर्च का प्रयोग किया है, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि कुछ नमक हमने यहाँ अमचूर पाउडर है, ये थोड़ा सा नमक हमने उसमें भी डाला हुआ था मसाले में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। बहुत ही गजब का टेस्ट देने वाली हमारी ये रेसिपी है और बहुत ही कम समय में हम इसको तैयार कर लेते हैं। अभी इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये इसका ऑयल रिलीज ना हो जाए। जब ऑयल इसका रिलीज हो जाएगा उसके बाद हम इसमें भिंडी को ऐड कर देंगे। भिंडी ऐड करने के हमें एक मिनट ही सिम पर करके रखना है, ज़्यादा देर नहीं। एक मिनट बाद ही हमारी भिंडियाँ तैयार हो जाएगी, क्योंकि भिंडी हमारी जब हमने डीप फ्राई की तभी तैयार हो गई थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा नहीं रखना है मसाले के अंदर। अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो मसाला भिंडी हमारी ख़राब हो जाएगी। यहाँ हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाले से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर, हल्का सा गरम मसाला। और अच्छे से आप देख सकते हो ऑयल रिलीज होने लगा है। ऑयल रिलीज होते ही ये हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकी है। अभी आप देख सकते हो कितनी गजब का टेक्सचर आया हुआ है और इसमें टेस्ट और खुशबू तो लाजवाब है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा किचन खुशबू से महका हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हमने भिंडियों को डाल दिया है।
अब भिंडियों को ऐसे चलाते जाएंगे, हल्के से ही हमें इन्हें चलाना है और ओनली हम 1 मिनट इन्हें रखेंगे। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। अच्छे से हमारी भिंडी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हमारी रेसिपी है। प्लीज़ आप सबका धन्यवाद जो मेरे से जुड़े हुए हैं। आगे भी मेरी वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए और मेरा सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी आप देख सकते हो हमारी ये जो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, सर्व कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हो कितनी गजब की हमारी भिंडी बनकर तैयार हुई है।